हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है MT-1801 और MT-1601 का अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ इन दोनों का टेस्टिंग रहेगा एक छोटा सा बेस के ऊपर। और बेस जो है इसमें आपका थोड़ा सा हैवी रहेगा, छोटा सा नहीं काफ़ी हैवी कह सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो कैबिनेट रहेगा ना वो LF8 या LF9 का रहेगा। तो छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं स्पीकर के ऊपर। स्पीकर जो है स्टूडियो में इनका 2000 वाट का रहेगा, जिसमें 5 इंच वॉइस कॉइल और 4 पीस मैग्नेट में ये आता है। काफ़ी अच्छा स्पीकर है, PD मॉडल में ये स्पीकर रहता है। 4000 वाट इसका प्रोग्राम पावर है, 5 इंच वॉइस कॉइल में होता है, जो कि 127 mm देखने को मिलता है। तो काफ़ी सही स्पीकर है वाइब्रेशन के लिए। इसे आप LF8 या LF9 में यूज़ करेंगे तो बेहतर क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगा। इसके लिए आप ऐसा एम्पलीफायर यूज़ करिएगा जो 3000 वाट से प्लस देता हो। पर चैनल आपको एक बेस चलाना है। फॉर एग्जांपल, आप जाइफार का Z7, Z8 या फिर स्टूडियो में इनका HD 8000 या फिर जो मशीन आपको अच्छा लगता है उस पर आप रन कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसके लिए यहाँ पे MT-1801 यूज़ किया था नेक्स्ट ऑडियो का रीजन, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट वहाँ पे सुनने को मिला। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे बात करें प्राइस की, तो देखिए दोस्तों, प्राइस जो है ना वीडियो में बताना उचित नहीं है, क्योंकि समय के साथ जो है प्राइस जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसके बारे में तो आपको पता ही है। फिर भी एक एवरेज प्राइस की बात करें तो आपको स्टूडियो में इनका जो 2000 वाट का स्पीकर है ये करीब करीब आपको 18000 से 19000 के बीच में मिल जाएगा, किसी भी डीजे प्लस के डीलर से आप ले सकते हैं। और रही बात MT-1801 की, तो MT-1801 का प्राइस आपको मार्केट में अभी 70 के आसपास देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ आपका MT-1601 है। MT-1601 जो है मार्केट में काफ़ी डिमांडेड है, जिसकी वजह से इसका मुँह मांगा रकम भी देना पड़ जाता है। फिलहाल इसका मार्केट प्राइस जो है आपको 65 से लेकर के 68 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और HD 8000 है, तो HD 8000 आपको मार्केट में अभी 65000 के आसपास मिल सकता है, 65000 से 66000 के बीच में। तो काफ़ी सही मशीन है, जो भाई यूज़ करते हैं वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ताकि जिन भाइयों को इन प्रोडक्ट के बीच में इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा या डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं MT-1801 का ओरिजिनल पीस। अगर आपको ओरिजिनल की जानकारी है तो यहाँ पर आप एक मिनट में समझ गए होंगे। काफ़ी सही मशीन है बेस के लिए। यह आप पीछे का डिज़ाइन देख सकते हैं, पीछे का लुक ओरिजिनल देखते ही समझ में आता है। दोस्तों, शॉर्टकट में बताना चाहूँगा, बेस चला रहे हैं तो लोकट इन्हेंस को ऑन करके रखिए, लो फ्रिक्वेंसी को, और इसे स्टीरियो मोनोमोड किसी में भी चला सकते हैं, लिमिटर ऑन करके रखें। ये फ्रंट का लुक है, देख सकते हैं MT-1801 काफ़ी शानदार मशीन है बेस के लिए। और उसके बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडियो में इनका HDA 8000, ये भी बेस के लिए बहुत अच्छा मशीन है। कंपनी ने तो इस बार इसे अपडेट भी कर दिया है। साइड में मैं इसका अंदर का पार्ट्स दिखाना चाहूँगा। अब ये देखिए MT-1601 का ओरिजिनल पीस। वीडियो फास्ट किया गया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, और इसे मैं पॉलीथीन में ही रखूँगा क्योंकि ओरिजिनल है, देखते ही समझ में आता है। और इसे स्विच बोर्ड में चेक करेंगे ताकि ट्रांसपोर्ट में किसी प्रकार का डैमेज हो रहता है तो ज़्यादा दिक्कत ना हो ऑन करने में। फ़िलहाल हम इसे पॉलीथीन के अंदर ही ऑन करते हैं, ये स्विच बोर्ड में चेक हो रहा है। बिल्कुल सही है मशीन। अब फिलहाल टेस्टिंग की ओर आगे बढ़ते हैं और MT-1801 और HD 8000 को ऑन करते हैं। MT-1801 में 2 फैन होते हैं, जबकि HD 8000 में 4 फैन देखने को मिलता है। और MT-1601 में 12 कैपेसिटर होते हैं, जबकि HD 8000 में आपको 20 कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने वीडियो पे देखा था। नो डाउट दोनों ही काफ़ी अच्छी मशीन है। प्राइस के हिसाब से HD 8000 भी तबाही मशीन है, और MT सीरीज़ के बारे में तो आप जानते ही हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों अपनी जगह पे काफ़ी शानदार मशीन है। 5 इंची वॉइस कॉइल के लिए आप किसी भी मशीन में जा सकते हैं। दोनों ही मशीन 2 ओम्स पे फुल स्टेबल है। फिलहाल HD 8000 को मैं फुल रिकमेंड करता हूँ। आप इसमें आराम से 5 इंच के 6 स्पीकर भी चला सकते हैं और 4 इंची वॉइस कॉइल के 8 स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पीकर का अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का PB2000 PD मॉडल का स्पीकर होता है। 2000 वाट RMS पावर कंपनी के द्वारा बोला जाता है 5 इंची वॉइस कॉइल में, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में इसका टेक्निकल डिटेल्स आपको बताया हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। चलिए इसका सीधा मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ। तो ये स्पीकर का फ्रंट लुक देख सकते हैं, काफ़ी हार्ड पेपर कोन होता है डबल स्पाइडर के साथ में, और काफ़ी सही है स्पीकर वाइब्रेशन के लिए, बेस्ट स्पीकर कहूँगा। और बगल में हमने ऑडियोटोन का PD भी रखा हुआ था। कस्टमर को हमने दोनों का साउंड टेस्टिंग सुनाया और यहाँ पर उन्होंने स्टूडियोमेंट का पसंद किया, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अच्छा बेस सुनने को मिल रहा था। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका साउंड टेस्टिंग की ओर बढ़ते हैं। हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको अच्छा क्वालिटी जो है समझ में आ सके। साउंड टेस्टिंग जो है धीमी आवाज़ में रहेगी दोस्तों, क्योंकि अगल बगल सॉफ हैं तो डिस्टर्ब किसी को ना हो, इसलिए हमने इसका ख्याल रखते हुए थोड़ा सा कम साउंड पे इसका टेस्टिंग किया हुआ है, तो थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए इसका साउंड टेस्टिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी MT1801 में चला था, आवाज़ खोलना भैया। ये देखा आपने इस वाले सेटअप का साउंड टेस्टिंग, जिसमें आपका दो बेस था। दो बेस में से एक बेस को हमने जो MT1801 के चैनल ए पर लगाया और थोड़ा सा धीमे साउंड पे चेक किया था, और HD8000 पे दूसरा बेस हमने चलाया है। तो फाइनली रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा मिला, और वहाँ पे ज़्यादा साउंड हम नहीं चला सकते थे इसलिए थोड़ा सा धीमे साउंड पे हमने चेक किया। तो दोनों ही मशीन अपने जगह पे बेहतर हैं और दोनों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला। HD8000 जो है 4 ओम्स पे 3300 देता है, और MT1801 जो है आपका 2450 आउटपुट देखने को मिलता है, मतलब 2450 वाट ये देता है। लेकिन MT का मशीन है, काफ़ी अच्छा प्रेशर देखने को मिलता है Nexardio का ओरिजिनल एम्पलीफायर। और इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानना है, या फिर कह सकते हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो दोस्तों, इसके रिजल्ट के बारे में आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है हम इस वीडियो में कमेंट के थ्रू लोगों के साथ पहुँचा सकते हैं। और अगर किसी भी भाई के मन में इन प्रोडक्ट के बीच में किसी भी प्रकार का अगर उलझन है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो उसका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, यही था आज का वीडियो, जिसमें आपने MT1601 1801 और HD8000 का अनबॉक्सिंग देखा, साथ ही साथ स्पीकर का फिटिंग वीडियो भी आपने इस वीडियो में देखा। इससे संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझे बिल्कुल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस टाइप का DJ सिस्टम से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।